नमस्कार, मैं नरेश कुमार हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। डियर पेरेंट्स, तो आज मैं आपके लिए ला रहा हूं टॉप 10 केंद्रीय विद्यालय, जो अगर आप अपने बच्चों का भविष्य केंद्रीय विद्यालय स्कूल में देखना चाह रहे हैं तो जो टॉप 10 केंद्रीय विद्यालय है उनके डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। राइट, तो कंप्लीट वीडियो देखिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा। आप आईडी देख रहे हैं टॉप केवीएस स्कूल इन इंडिया। राइट, जो 2023 के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा गया है, उनके अकॉर्डिंग जो टॉप 10 केंद्र विद्यालय है इनके डिटेल्स आज हम पढ़ेंगे। देखो, केंद्र विद्यालय है क्या, अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ समझ लें कि अबाउट केंद्र विद्यालय, तो केंद्र विद्यालय जो होते हैं बच्चों, आपको पता है पेरेंट्स, ये गवर्नमेंट स्कूल्स है जो इंडिया में ये रेगुलेट करता है। इवन की इंडिया से बाहर के कंट्रीज में भी है। जैसे आपको पता है कि टोटल केंद्रीय विद्यालय अब तक का जो है 1245 के लगभग है, और 3 ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय अपने इंडिया से बाहर भी रेगुलेट कर रहे हैं, और इसमें ज्यादातर जो एडमिशन होते हैं ना, सिविल्स गवर्नमेंट जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, डिफेंस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उन बच्चों या उन पेरेंट्स के लिए या उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए ये ज्यादा सीट्स इसमें होते हैं। और आरटीई कोटा के भी बहुत 25% सीट्स होते हैं इन विद्यालयों में। इवन सिविल्स के जो होते हैं, सिविल्स का भी होते हैं, उनके भी कैटेगरीज होते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गए, उनके भी कुछ जो है सीट्स अवेलेबल होते हैं। राइट, तो अगर पेरेंट्स आप इन कैटेगरीज में आते हैं या आप अपने बच्चे का एडमिशन इसमें करवाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो चलिए देखो, सबसे पहले जो टॉप लेवल के केंद्र विद्यालय है वो है केंद्र विद्यालय तिशरू। राइट, यानी अगर ये जो है फर्स्ट रैंक के अकॉर्डिंग है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनका ये जो गेट है स्कूल्स के, आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। और ये अगर एस्टेब्लिश्ड की बात करें तो एस्टेब्लिश्ड जो है ये 1985 में एस्टेब्लिश्ड किया गया था केंद्र विद्यालय। राइट, कहाँ पे, किस स्टेट में, आप यहाँ पे पूरा मैंने लिख रखा, सिटी का नाम है, पेरेंट्स ये है। अगर को एजुकेशन, यानी को एजुकेशन इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे बॉय एंड गर्ल्स दोनों की सेम फैसिलिटीज हैं, और बोर्ड ऑफ, कई पेरेंट्स ये डाउट रहता है कि जो केंद्रीय विद्यालय है ये किस बोर्ड से है, सीबीएसई से है या स्टेट बोर्ड से है या सीजीसी बोर्ड से है, आईबी बोर्ड से है, किस बोर्ड को ये फॉलो करता है। तो आप पेरेंट्स ये ध्यान रखें, जो बोर्ड है ना केंद्रीय विद्यालय का वो सीबीएसई है, और ये जो स्टेट है वो केरला का है, ये इनकी ईमेल आईडी है। राइट, तो आप ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें अगर आप इस केंद्र विद्यालय में अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं या यहाँ पे आप बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो ये चीजें आपको नोट करनी है। राइट, चलिए दूसरे रैंक का देखिए, रैंक नंबर टू जो है इसका जो केंद्र विद्यालय है ये आप देखते हो नाथनपुरम में है, ये भी पेरेंट्स केरला में ही है। राइट, देखो टॉप टू जो है आप रैंक वन और रैंक टू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केरला में है। इट मीन्स आपको पता है कि जो एजुकेशन में सबसे बेस्ट इंडिया में जो है वो केरला ही है। राइट, तो आपको केरला के ये जो है दो केंद्र विद्यालय जो है टॉप रैंकिंग में है। स्टैब्लिश 1964 में हुआ था, तिरुनाथनपुरम में है, यहाँ पे भी वही सेम है, बोर्ड सीबीएसई है केरला, और ये इनकी जो है ईमेल आईडी है। राइट, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तीसरी रैंक की अगर मैं बात करूं, केंद्र विद्यालय वायु सेना स्थल जो है ताम्बरम। राइट, ताम्बरम में है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इनकी कुछ डिटेल्स है, जो चेन्नई स्टेट में पढ़ते हैं, ये भी सीबीएसई बोर्ड को रेगुलेट करते हैं। स्टेट जो है वो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु में है बच्चों, ये जो सिटी है वो चेन्नई में। ठीक, चलिए फोर्थ रैंक देख लेते हैं। फोर्थ रैंक आप यहाँ पे देखिए, केंद्र विद्यालय एनएमआर यानी जेएनयू कैंपस दिल्ली। तो ये जो फोर्थ रैंक का जो केंद्र विद्यालय है वो दिल्ली में। राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनके एस्टैब्लिश जो है 1972 में हुआ था, सिटी जो है न्यू दिल्ली है, यह भी वही बॉयज एंड गर्ल्स के लिए भी है, बोर्ड जो है वो सीबीएसई प्रिफर कर, स्टेट दिल्ली है, और इनकी जो ईमेल आईडी है, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं, या फिर आप इनके जो केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी ये सारी डिटेल्स आप कलेक्शन कर सकते हैं। बट हाँ, रैंक के हिसाब से देखा जाए तो आप ये रैंक के हिसाब से देख सकते हो कि कहाँ पे बहुत अच्छे से रैंक ला रहे हैं वहां पे। इट मीन्स वहां के फैकल्टीज काफी अच्छे हुआ करेंगे, या वहां पे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते होंगे, जिससे उनके स्कूल्स का रैंक आ रहा है कि नहीं। तो इन चीजों को पेरेंट्स आप ध्यान में रखेंगे
अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करना चाहते हैं तो टॉप लेवल के केंद्रीय विद्यालय अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट आप देखेंगे। क्लियर? देखो रैंक नंबर 5 की बात करूं तो रैंक नंबर 5 में आप यहां पे देख रहे हैं पेरेंट्स, ये बेंगलुरु में सिटी जो बेंगलुरु में है और ये कर्नाटक स्टेट में है, ये रैंक 5 का है, स्टेटस बैंक 65 में है, स्टेट कर्नाटका है और ईमेल आईडी आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं जैसे कि अगर आप अपने बच्चे का इस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करना चाह रहे हैं या अपने स्टेट में या अपने सिटी में टॉप लेवल के केंद्रीय विद्यालय देखना चाह रहे हैं, अगर आपके सिटी में ये आते हैं तो मे बी आप यहाँ पे अपने बच्चे को अप्लाई करके एडमिशन करवा सकते। क्लियर? चलिए अब देखो नेक्स्ट जो है रैंक नंबर 6 में केंद्रीय विद्यालय जो है IIT मद्रास चेन्नई, राइट? अब यहाँ पे सिटी चेन्नई है, एजुकेशन वही है, सीबीएसई बोर्ड है, तमिलनाडु में है और ये इनके ईमेल आईडी है और ये 1964 में एस्टैब्लिश किया गया है तो काफी पुराना स्कूल है। आप देख पा रहे होंगे कि कब ये एस्टैब्लिश किया गया था रैंक नंबर 6 में। अब ये रैंक नंबर 7 में केंद्रीय विद्यालय IIT बॉम्बे है ना, तो देखो IIT बॉम्बे एस्टैब्लिश 1964 में किया था, सिटी मुंबई में है, सीबीएसई बोर्ड है यहाँ पे और ये महाराष्ट्र में, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में। क्लियर? ये इनकी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर ले। एक की बात करो, एक में देखो केंद्रीय विद्यालय जो है नंबर 1 अराबस बेस्ड इन कोची, ये जो है रैंक नंबर 8 है। आप यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड 1963 में हुए थे, ये कोची में है एंड ये को एजुकेशन यहाँ पे भी वही है, सेम यस है, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट केरला। तो आप यहाँ पे देखिए टॉप 10 मैंने जो एनालाइज किया 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग ही एनालाइज है और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो केंद्रीय विद्यालय है ना टॉप 10 में 3 केंद्रीय विद्यालय जो है वो आपको केरला का ही आ रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पेरेंट्स कि केरला के एजुकेशन कितने हाई लेवल्स के, वहां के एजुकेशन लेवल कितने ज्यादा है ना, तो ये चीजें आप देख रहे हैं केरला का टॉप आ रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट जो है गुवाहाटी रैंक नंबर 9 में आप देख पा रहे हैं ये इनकी विद्यालय हैं, ये एस्टैब्लिश 2003 में हुआ था गुवाहाटी में और ये असम में, स्टेट कौन से? असम में पड़ता है। अच्छा रैंक नंबर 10 देखिए केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर जो है, ये इनके पिन कोड है, यहाँ पे इनके टेलीफोन नंबर भी है, राइट? IIT कानपुर एस्टैब्लिश्ड है 1965 में हुआ था, सिटी कानपुर में है पेरेंट्स और ये को एजुकेशन, इट मींस आपको पता है यहाँ पे को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होते हैं, बोर्ड सीबीएसई है, ये स्टेट उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये इनके ईमेल आईडी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉप 10 एनालाइज था ये आपको 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग किया गया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करने के लिए सोच रहे हैं और अगर इस तरह के वीडियोस आपको देखने हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय से, जवाहर नवोदय विद्यालय से, CHS से, RMS से, राइट? और जो सैनिक स्कूल से रिलेटेड इन सभी का वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा।